जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में Y20 कार्य समूह की बैठक जिलाधिकारी मुरादाबाद के कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जिला युवा अधिकारी अंकित कुमार, युवा कल्याण अधिकारी नरेश चौहान और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में मुरादाबाद के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि Y20 के तहत आयोजित होने वाली 24 मार्च और 6 अप्रैल की इस बैठक के लिए 2 महिला और 2 पुरुष प्रतिभागियों का चयन 13 मार्च को एक भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिभागी 24 मार्च को KGMU लखनऊ और 6 अप्रैल को IIT कानपुर में Y20 सम्मेलन में मुरादाबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी रखते हुए बेहतर उम्मीदवार चयन करने का निर्देश जारी किया। Y20 कार्यक्रम में जो भारत सरकार की ओर से अभी संचालित किया गया है, उसी को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में भी Y20 समिट 24 मार्च और 6 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। इसमें हमें इस जनपद से दोनों थीमों पर आधारित एक दो युवा लखनऊ के लिए, दो युवा कानपुर के लिए, इनका चयन कर उसी को लेकर आज जिलाधिकारी अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक, सभी कॉलेजों के प्रधानाचार्य, जो युवा समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के साथ के साथ एक बैठक की गई और 13 मार्च को यहाँ पर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे उनको ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा के लिए। कितने खिलाड़ियों का चयन किया जाना है? 24 मार्च को जो टीम जांच मेडिकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होना है, 2 युवा उसमें जाएंगे और इसी तरह जो IIT कानपुर में 6 अप्रैल को कार्यक्रम होना है, 2 युवा उसके लिए चयन किए जाएंगे और इन चयनित युवाओं को यहाँ पर युवा कल्याण विभाग सम्मानित किया जाएगा।